जौनपुर सदर विधानसभा के सपा प्रत्याशी ने चुनाव मतगणना में धांधली का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आखिरी चक्र की काउंटिंग में साजिश करके मुझे डीएम ने सीएम को खुश करने के लिए हराया। मैं हारा नहीं, प्रशासन ने ताकत का दुरुपयोग नहीं किया होता तो वोट का आंकड़ा पूरे 1,00,000 पार कर जाता। जनता को धन्यवाद करने के लिए लोगों तक दस्तक दे रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मतगणना के सायंकाल ही साजिश शुरू हो गई। यहाँ की जनता ने हमें इतना माइंडेड दिया कि बीजेपी को धूल चटा दिया। 21 राउंड तक बीजेपी प्रत्याशी जीत से बहुत दूर थे, अपनी हार से घबराए। राज्य मंत्री ने प्रशासन से मिलकर गेम कर दिया। सूबा में बीजेपी की बढ़त देख डीएम ने ईवीएम में जानबूझकर साजिश रचकर गिरीश को जिता दिया। उन्होंने कहा कि मतगणना के दौरान हीला हवाली की गई। इसके अलावा उन्होंने मतगणना की प्रक्रिया पर भी सवाल या निशान उठाए। अरशद खान ने कहा कि काउंटिंग में भेदभाव हुआ है। चुनाव आयोग से वीवीपैट की पर्ची गिनती कराने के लिए उन्होंने पत्र लिखने की बात कही है। सपा प्रत्याशी अरशद खान ने कहा कि वह इस मामले को लेकर कोर्ट जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि मतगणना के दौरान कई राउंड की गिनती होने के बाद भी प्रशासन देरी से निष्कर्ष जारी कर रहा था। 14 राउंड की गिनती होने के बाद भी 10 राउंड तक के ही निष्कर्ष सामने लाए गए थे। 2 दिन पूर्व केवल सदर विधानसभा के स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी बंद हो गया। वहां से 3 संदिग्ध लोगों को पकड़ा गया, लेकिन प्रशासन ने तीनों को बीएसएनएल का कर्मचारी बताकर छोड़ दिया। जिले के लोगों ने भी इस बेईमानी को महसूस किया है। अब न्यायालय में जाकर इस झूठ को पर्दाफाश करूंगा। 90,000 के करीब मुझे मत मिला है। काउंटिंग में अगर खेल नहीं होता तो परिणाम कुछ और होता।